हर हर महादेव। आज हमारे श्रावण मंथ चालू हुआ है। मैं बोला आपको पहले तो ये महादेव का साथी है और वाहन भी है, उसका पहले तो आपको दर्शन करवाता हूँ। नाम भी ऐसा है महाकाल और बड़ी आनंदी है ना, वो बड़ी आनंदी। इस महाकाल का दर्शन करके आप भी धन्य हो जाएगी, हम तो हमेशा धन्य होते हैं इसको। देखो ये लगातार एक मंथ और 18 दिन से बारिश हो रही है, टेस्ट ही खड़ा है इधर, कोई काकरेज को प्रॉब्लम नहीं है। इसको जोगाण भी नहीं मिलता है, एक साल से नहीं दिया, क्योंकि जोगाण देगा ना तो बहुत हट्टा कट्टा हो जाएगा। देखो इतना सूटा मुख आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा, कोई बुल का। ये काकरेज प्योर क्वालिटी है इसका, CVGB बुसेलो और 802 सब सेक किया हुआ है। बहुत बड़ा नंदी है, हाइट भी इतनी है, लंबाई भी इतनी है और शांत भी इतना है। नाम है महाकाल और आज श्रावण मंथ के मैं बोला पहले आपको हर हर महादेव का वाहन का आपको सबको दर्शन करवाता हूँ। बहुत कीर्ति भी दिया है इसने और बहुत बसड़े भी दिया है, बसड़ी भी दिया है, बहुत खूबसूरत देते हैं। और ऐसा नंदी मैं किसी के पास नहीं देखा है, मेरा है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप उसका दर्शन कीजिए। और इधर सब काकरेज गाय माता है, गाय माता भी इधर है, इसकी बहन है सिया, हमारे इसके पास सिहण है और ये हमारे महाकाल की माँ है। और इधर भी है सब गाय, ये महाकाली है। और एक नंदी का और भी अपने को दर्शन करवाता हूँ, और भी है इधर, ये हमारे भूरी का बछड़ा है। ये तो सही नहीं हुआ है, इसकी माँ बहुत दूध दे रही है, ये 2 साल का हुआ है, लगता है और ना कह एक साल जैसा है। उनसे तो हमारा उधर पहाड़ है वो बढ़िया होगा। और ये हमारा राम नंदी है, पियोरिया का बछड़ा, ये भी बढ़िया है, अभी ये जवान है, ये तो जवान है, बढ़िया खूबसूरत इसका भी सींग होगा। और ये हमारे पास एक गाय हम लेके आया था, उसके साथ बछड़ा आया था, ये 3 साल के आसपास का हो गया होगा, खूबसूरत बढ़िया बछड़ा है, इसका सींग भी बढ़िया है। मैं बोला आपको ये बताता हूँ। और ये हमारी लता है और ये काकरेज छे महादेव, ये बारिश बंद करेगा ना तो बढ़िया रहेगा सबसे, ये ना बारिश बंद करेगा ना तो बढ़िया रहेगा। अरे कल हमारे एक परसों बछड़ी सूट गई। और ये हमारा पहाड़ है, पूरा जेड ब्लैक है, महाकाल का रिजल्ट है। और उधर हमारा पर्वत खाना खा रहा है, कल पर्वत भी बीमार हुआ था तो शाम को डॉक्टर आया था हमारे राम भाई करके यादव है, तो नाइट में बुलाया तो नाइट में भी आया, ये यादव इसको बोल सकते हैं। मैं बोला इतना बारिश होती, इतना किसड़ होता तो भी आया, मैं बोला रिक्वेस्ट किया, उसने बोला राम भाई शाम हो गया, वो जामनगर से आ रहा है, हमारे इधर सणखला गांव है वहाँ का है। तो इधर मैं बहुत डॉक्टरों को फोन किया, अब कोई नहीं है, ये बीमार था, देखो इसको बुखार आया था, पहाड़ को नहीं पर्वत को, पहाड़ तो ये है ब्लैक, देखो आ रहा है, तो बीमार हुआ था। तो मैं बोला ये जो महारानी छूट गई तो इसलिए हम डर गया था, तो डॉक्टर को बुलाया तो आया, नाइट में भी आया। इसको डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर होता है भगवान का अवतार होता है। हमारे इधर सब डॉक्टर है, वो बोलते हैं संडे है तो हम घूमने गए, वहाँ गए, कोई घूमने नहीं जाते, कोई नहीं। शाम हो गया था ना, शाम को 6 बजे मैं फ़ोन कर रहा, 7 बजे तो कोई नहीं आया। ये हमारे अति सुंदर, देखो ये भी हमारे महाकाल का रिजल्ट है, इसकी माँ सब फैसले, देखो बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी, मरघा की फंसा हुआ है इसमें।
कौन बंद कर गया इसको? ऐसा है, कल बीमार था, आज तो सही हो गया। थोड़ा अभी भी देखो ये थोड़ा टेंशन में तो है, अभी खाना खा रहा है, ये मरगा निकला हुआ। आज तो ये नंदी महाराज का दिन है तो थोड़ा देखो देखो हल्का खड़ा है ना, ये पास में नहीं आने देता, भाग जाता है, हाथ भी नहीं हटने देता। और बढ़िया नंदी बनेगा। हमारे एक राजू भाई है, उसको कच्छ में देना है, उसने बोला था कि राम भाई ये मेरे को चाहिए, मैं बोला बड़ा होगा तब दे दूंगा। तो कल शाम को डॉक्टर को बुलाया, उसको 5 इंजेक्शन लगाया है, बुखार आया था, लेकिन ये देखो थोड़ा शांत है। और ये हमारे पहाड़ है और ये पर्वत है, ये भी बढ़िया बनेगा। इसकी माँ का बहुत छोटा मुख है, यानी इसकी माँ का भी ऐसा छोटा मुख है। देखो बिजली आई, ऐसा है भाई साहब, यानी ऐसा है। मैं थोड़ा आपको इधर सिंह बताता हूँ हमारी। देखो ये मरगा भी खाना खाने के लिए, क्या मैं अर्था बाढ़ने आता ना, अर्था मैली को दरवाजो बंद हो तो आ चार पांच तीन चार कुकड़ी बाढ़ने आती तो पासो कहीं बंद है को। अति सुंदर की नहीं जोगण खा लिया और सबको मिलता है, अभी बारिश बहुत है ना, तो सबको जोगण देने के लिए बोल दिया है कि सबको शाम को देना है, कि कोई काम का होगा कोई काम का नहीं होगा तो भी सबको जोगाड़ देना। और ये हमारी सिंह है, बढ़िया हो रही है सिंह। कोई कोई नुकसान हुआ है ऐसा? ठीक है बारिश, ये सिंह वाला कोई नुकसान हमारे को परेशान नहीं करता। सबसे बड़ा परेशान करता है एक गायु को, वहाँ जो कसकान होता है ना, वो ये तो किस्मत में जो भी लिखा होगा वो ऐसी बारी सिंह होगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इसमें, ये जो बारिश बूंद बूंद हो रही है ना, ये हमारे महाकाल जो देखो ये बीमार हो जाते हैं बाद में, बस कितना दिन खड़ा रहता है। तो इसलिए है भाई सब भगवान से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये श्रावण मास में पूरा मंथ बंद रखो बारिश, उसके बाद भेजना, क्योंकि श्रावण मास है ना उसमें बंद रखो, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सब मूंगा प्राणी को बड़ी परेशानी है, यानी कि गाय बैलो घोड़ा छोटे मोटे पशु पक्षी और जो लावारिस घूमते हैं उसको। देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें तो ये साथ ही नहीं चलता तो दवाई मार देगा, यानी घास की दवाई आती है वो मारेंगे, एक बार लगाया था और वापस लगाएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमारे इधर शेरों खड़े हैं, क्योंकि दोनों शेर खड़े हैं। इसका मोरडा बदलने के लिए मैं बोला था कल, हमारे ये 5 बीजा आई ना तो उसमें मैं थोड़ा लग गया और दीप इधर काम में था तो दीप ही उसमें पढ़ सकता है लिख सकता है, अंग्रेजी में आती है वो बीजा। ऑस्ट्रिया वाली 4 आदमी की आई थी तो उसका पैसा भी हमारे को इकट्ठा करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है फ़ोन करके। तो 4 बजे इसका प्रोग्राम था मोरडा बदलने के लिए, लेकिन नहीं बदला। हाँ हाँ बापू बापू, देखो ये शांत कितना रहता है, ये पोठिया बोलते हैं, ये भगवान का वाहन है, इसने भगवान ने आशीर्वाद दिया था। तो जब हमारे इधर गुजराती में बोलते हैं कि सब मनुष्य इधर इसको पूछने के लिए भगवान को किया था कि हम कितना टाइम खाएंगे कितना टाइम स्नान करेंगे, तो पोठिया बोलते हैं भगवान के मंदिर पे खड़ा है ना उसका वाहन है, तो इसने वहां जाके बोला बस भगवान पोठिया को बोला सब मनुष्य ने कि कितना टाइम खाना और कितना टाइम स्नान करना है। तो पोठिया इधर उधर सिंह हिलाने में भगवान के पास पूछने के लिए गया तो भूल गया। भगवान ने वहाँ से बोला कि भाई 3 टाइम स्नान करना और 1 टाइम खाना खाना। तो पोठिया वहाँ से आया ऐसा गर्व करके कि मैं मेरे को भेजा सब लोग मनुष्य ने, तो वहाँ भगवान के पास कोई नहीं जा सकता मंदिर में, तो
मैं गया था पूछने दे, थोड़ा गर्व किया इसने तो रास्ते में भूल गया, तो इसने जो भगवान ने बताया था उसे उल्टा बता दिया इधर आके मनुष्यों को। हम तो मनुष्य है, पूरी खतरनाक जाति है, 84,000 योनि में सबसे खतरनाक हम ही होते। तो ये भूल गया, उसने बोल दिया 3 टाइम खाना और 1 टाइम स्नान करना। मनुष्य तो भाग गया वहां से सब। तो वापस नंदी महाराज भगवान के पास गया, शिव के पास, महादेव के पास। तो भगवान ने पूछा क्या बोला तुमने, तो इसने तो बोल दिया जैसा बोला था पब्लिक को ऐसा, तो मैं तो सबको ऐसा बोल के आया कि 3 टाइम खाना और 1 टाइम स्नान करना। भगवान ने बोला मैं तो 1 टाइम को खाना खाने के लिए बोला था और 3 टाइम स्नान करने के लिए बोला था। तो बोठिया महाराज ने बोला मैं तो भूल गया, कहो मैं तो भूल गया। भगवान ने बोला ये आपके कान की कमाई से आप ये लोग को 2 टाइम का खाना देना और मैं 1 टाइम का दे दूंगा। ये तब से चल रहा है, तब की अपनी सेवा में खड़ा है ये, तो इसकी ज़रूर इसको रखना, क्योंकि इसने बहुत अपने लिए सहा हुआ है, बहुत काम किया है, पूरा हिंदुस्तान को सोने की सीढ़ियाँ बना कर रखा था, लेकिन ये ट्रैक्टर आया ना उसने भिखारी बना कर रखा है, यानी कि ट्रैक्टरों ने भिखारी बना कर रखा है, डीजल आया है तब, सोने की सीढ़ियाँ तो इसने बना कर रखी थी, कोई बीमार नहीं था, 100-100 साल जिंदा रहते थे। ये ट्रैक्टर आया, दवा आया और खाद आई, तब से 67-60 साल में सब मर रहा यानी कि मर रहा है, यानी कि मर रहा है। तो देखो ऐसा आया हमारे राम लखन, बढ़िया आशीर्वाद देना, और उसका मोड़ा बदलना था, वो कितना गुस्सा करता है क्या करता है वो आपको दिखाने वाला था, लेकिन अगले संडे बदलेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो शूटिंग वाला है ना दीप, वो उसको जोगाड़ देने के लिए वो आते हैं हमेशा सुबह और शाम, तो उनका ज़्यादा विश्वास हमारा भी करता है, वो उनका भी करता है। तो मैं बोला वो साथ में होगा ना छोटे वाला लड़का, तब बदलेंगे। तो कल उस संडे था, तो मैं थोड़ा दोपहर के बाद मैं बोला बदलूँगा, तो दोपहर के बाद हम काम में लग गया, वो वीज़ा में ऑस्ट्रिया की 5-4 वीज़ा आई, 5 आई थी, तो उसमें 4 हमारी थी, 1 मेरे लड़के की थी और 3 दूसरे आदमी की। तो पैसा इकट्ठा करने में वैसा कुछ करने में हम लग गया, तो इसका मोड़ा नहीं बदला और इसको अभी खड़ा ही रहना है, चलना ही नहीं है, अभी 2 मंथ खड़ा रह गए ऐसे, बस खाना खाएंगे आराम फरमाएंगे, और बैलगाड़ी लाया है तो हो सकता है बारिश बंद होगी तो बैलगाड़ी लेके निकलेंगे, दूसरा तो क्या, इसलिए लाया है ज़्यादा तो बैलगाड़ी में ये चलेगा, क्योंकि बड़ा काम तो ट्रैक्टर करेगा, कोई छोटा मोटा होगा और सिंह का होगा, शांत भी इतना रहता है। देखो ये कभी लात नहीं, मालिक को कभी नहीं मारते, ये दूसरा आएगा ना तो शेर जैसा ना, शेर जैसा गुस्सा करेगा, कोई भी आएगा यहाँ या आगे ठहर जाते हैं सब लोग, बहुत लोग देखने के लिए राम लखन को आते हैं, तो यहाँ हम कोई नहीं होता तो सब लोग ये गेट पे आकर ठहर जाते हैं, ये वहाँ से ही गुस्सा करके चलते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं और वहाँ से यहाँ आता है सीधा गुस्सा करके, तो कोई भी लोग होता है यहाँ खड़ा रह के ठहर जाते हैं, देखते हैं यहाँ से कि भाई इसके पास नहीं जाएगा, इतना गुस्सा ले और शांत भी बढ़िया है, ये इसका गुस्सा है इसलिए हमारे को मिला, लेकिन मालिक के लिए बहुत शांत रहता है, जो काकरेज रखता है ना उसको मालूम होता है काकरेज को कैसे रखना है। तो ऐसा भाई इसको बढ़िया आशीर्वाद देना हमारे राम लखन को, और हर हर महादेव अब सबका बढ़िया कल्याण करे, बरसात बंद हो, किसी को कहाँ भी ज़्यादा भी बारिश ना हो, कम भी ना हो, ऐसा रही, और सब को भगवान सतबुद्धि दिए, और कोई भी किसी का कोई ख़राब ना करे, किसी का कोई भी खा ना जाए पैसा वैसा, ऐसी हम तो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि सबको शुभ दिन लाए, लेकिन सबको कोई किसी को परेशानी ना आए ऐसा है। तो ये हमारे राम लखन का आशीर्वाद देना, और भगवान से ये रिक्वेस्ट है कि भाई बहुत बाढ़ भी मत भेजिए, बहुत सूखा भी मत भेजिए, जैसा चाहिए ऐसा, ये पब्लिक तो खराब है, आप क्यों खराब बन रहा है, यानी हमारे इधर बोलते हैं गुजराती में कि मावतर कम अवतर होते हैं,
मावतर कभी कम अवतर नहीं होते, बच्चे तो कम अवतर हो जाते हैं, लेकिन मावतर कम अवतर नहीं होते। तो आप तो भगवान हैं, अब तो मावतर है, तो आप रुकिए ये बारिश, ठीक है। हमारे को कोई परेशानी नहीं है बारिश से, हम तो बढ़िया मकान बकान है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ ये है, देखो ये शाम को निकाला था, अभी भी निकालेंगे, तो ये ही है, देखो ये इसका हाल, ये खाना भी नहीं खाते, बैठते नहीं, इधर है सूखा पर वहाँ बैठते नहीं, वहाँ भी गीला कर जाता है आती है, और इधर ही बैठते हैं, इधर ही खड़ा रहते हैं, इधर बैठते नहीं, खड़ा रह रह के थक जाता है ना। देखो इसको खाना डाला है, ये शाम तक खाएगा, इतना डाल दिया है, ऐसा नहीं है कि इसको खाना नहीं डालते, हाँ जोगाड़ नहीं देते इसको, क्योंकि इसको सलना तो नहीं है, तो ऐसा है भाई साहब। इसलिए बारिश से हम बड़ा तंग आ गया है ना, बारिश से इतना तंग आ गया है, ऐसा है भाई साहब, ये ना ऐसा है। और सिंह भी हमारी बढ़िया हो गई है इधर, ये ना बढ़िया है, वो भी थोड़ा बताता है, देखो इसमें दवाई लगाई तो ये सही हो रही है, ये ना ये इसमें जो वो लगाई थी ना नींद वाली दवाई ज़्यादा तो कमज़ोर हो गई थी, इधर से ये बढ़िया सिंह है, देखो सब इधर में, देखो ये इतनी बारिश में भी ये लेबर है, क्या ना लेबर इधर भाई का खेत में ये नींद रहे है सब, देखो क्या कर रहे हैं किसान, तो दूसरा था क्या ना, दूसरा तो क्या कर सकता है किसान, दवाई भी लगाते हैं तो भी ये बंद नहीं होता, बढ़िया सिंह भी हो रही है राम लखन के आशीर्वाद से, देखो ये सिंह बहुत बढ़िया, थोड़ी ये अपनी गलती से ये इतनी खराब हुई है, तो राम लखन की नहीं, ये राम लखन की देन है, बहुत बढ़िया सिंह है, सब पूरा खेत में ऐसी ही है, जहाँ जाएगा वहाँ, ये तो दवाई के नुकसान से इतनी खराब हुई है, तो ऐसा है भाई साहब, क्या ना महादेव महादेव।